हाय गाइज, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट टेक्निक्स, आईएएस ऑडिट टेक्निक्स और कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। और इसमें हमने ये जाना था कि दो तरीके से ऑडिट होते हैं कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में। एक कहलाता है आपका ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट और आईटी ऑडिट, यानी कि आप एक पुराने अकाउंटेंट हो और कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में ऑडिट करने जा रहे हो, तो पुराने स्किल्स के साथ, आपने स्किल्स अपग्रेड नहीं किए हैं अभी, पुराने स्किल्स के साथ ऑडिट करने जा रहे हो, तो उस ऑडिट को ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट कहा जाता है। और आप सोफिस्टिकेटेड ऑडिटर हो और बिग फोर के ऑडिटर हो या किसी अच्छी फर्म के ऑडिटर हो और आपने स्किल्स को अपग्रेड कर दिया है, तो उसे आईटी ऑडिट कहते हैं। अब जो है हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने वो ऑडिटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 इशू किया है। अब ऑडिटिंग और एश्योरेंस 29 इशू होते ही आपको अपनी स्किल्स अपग्रेड करना इशेंशियल हो गया, क्योंकि अब आप ऑडिट करने जाओगे, अगर कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में ऑडिट करने जाओगे, सीआईएस एनवायरनमेंट में ऑडिट करने जाओगे, तो आपको अपग्रेडेड स्किल्स के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 ने इन सब चीज़ों को हमें बताया है। हमें ये बताया कि अगर मान लीजिए सपोज आप कोई आईटी एनवायरनमेंट है उस पर ऑडिट करने जाओगे, तो आपको सबसे पहले नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपके स्किल्स अपग्रेडेड होनी चाहिए। तो यानी कि अब आप ऑडिटिंग इन अ कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट कर ही नहीं सकते हो, आप आईटी ऑडिट कर सकते हो। अगर आप ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट कर रहे हो, तो पहले तो ये है कि लॉजिकल कंट्रोल्स आपको समझ ही में नहीं आएंगे, और आज की डेट में लॉजिकल कंट्रोल्स प्रीडोमिनेंट कंट्रोल्स हैं, और चूंकि लॉजिकल कंट्रोल्स आपको समझ में नहीं आएंगे, तो आप क्या करोगे, मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो जाएगा आपसे, मतलब आप पूरी तरीके से ऑडिट नहीं कर पाओगे, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट नहीं कर पाओगे। और हमने ये भी जाना था कि ऑडिट ऑब्जेक्टिव सेम रहते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इन्वायरमेंट में हमने मेथड ऑफ ऑडिट चेंज कर दिया, उस पर इम्पैक्ट डाल दिया, मैनर ऑफ ऑडिट में इम्पैक्ट डाल दिया, यानी ऑडिट रिस्क बढ़ गया, ऑडिट मेथडोलॉजी चेंज हो गई है, क्योंकि रिस्क बढ़ा है और जो इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क कंपनी के अंदर जो इनहेरेंट रिस्क बढ़ गए हैं, कंट्रोल रिस्क बढ़ गए हैं। क्योंकि सपोज आप एक ऑडिटर हो, आप फेसबुक जैसी कंपनी को ऑडिट करने जाते हो, तो फेसबुक $100 बिलियन की कंपनी है, और फेसबुक जो है हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है $1900 बिलियन की है। $1900 बिलियन का मतलब ये है कि पूरे हिंदुस्तान के आदमी सब मिलकर एक साल में जो पैदा करते हैं वो $1900 बिलियन है। इंडिया की GDP $1900 बिलियन और फेसबुक जैसी कंपनी $100 बिलियन है। लेकिन अगर आप फेसबुक में जाओगे, तो वहाँ पर मेन एसेट है डेटा एसेट, और वो डेटा एसेट्स बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में है, कुछ डेटा सेंटर्स हैं, ह्यूज डेटा सेंटर्स हैं, उन डेटा सेंटर्स में वो डेटा रखा हुआ है। अब वो जो बिल्डिंग है उसकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा नहीं है, वो जो वहाँ पर इक्विपमेंट्स लगे हैं उनकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा नहीं है, डेटा की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो डेटा एक लॉजिकल एसेट है, अब उसमें लॉजिकल कंट्रोल्स लगे हैं। आप जब इंटरनल ऑडिट करने के लिए जाओगे, तो आपको ये देखना पड़ेगा वो एसेट सेफगार्डेड है कि नहीं है, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि ऑडिट आप ये चेक करोगे कि इतने कंट्रोल्स लगे हैं कि नहीं लगे हैं, कि रीजनेबल एश्योरेंस है कि नहीं है कि एसेट की सेफगार्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जब आपको लॉजिकल कंट्रोल्स के बारे में पता ही नहीं होगा, उसके बारे में आपकी स्किल्स ही नहीं होंगे, उसके बारे में आपकी कॉम्पिटेंस ही नहीं होगी, फिजिकल कंट्रोल्स के बारे में आप जानोगे, तो आप ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स मीट आउट नहीं कर पाओगे, आपकी ऑडिट ओपिनियन पर रीजनेबल एश्योरेंस नहीं रखा जा सकता है, आप ऐसे एविडेंस कलेक्ट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि पहले फिजिकल एविडेंस होते थे, अब लॉजिकल एविडेंस हो गए, अब इंटेंजिबल एविडेंस हो गए। तो लॉजिकल एविडेंस मालूम पड़ा, दो कंपनी है, दो कंपनी, पहले क्या होता था, एग्रीमेंट होता था, तो पेपर एग्रीमेंट होता था, पेपर में साइन होता था, आप पुराने ऑडिटर हो, पेपर में एग्रीमेंट मांग रहे हो। लेकिन आज की डेट में, वैसे हिंदुस्तान में ये काफ़ी अभी चला नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन आज की डेट में ये भी हो सकता है कि दो कंपनियों ने डिजिटली साइन कर रखा हो, यानी पेपर में कुछ चीज़ हुई नहीं है, एग्रीमेंट हो उन दोनों के बीच में, डिजिटल सिग्नेचर्स के द्वारा साइन हो, मैंने आपसे एग्रीमेंट किया, हम दोनों कभी नहीं मिले, हमारा टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में बात हुई, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में बात होकर मैंने एग्रीमेंट आपको भेजा, आपने मैंने अपना एग्रीमेंट भेजते समय अपना डिजिटल सिग्नेचर उसमें प्राइवेट की चला दी। अब प्राइवेट की चला दी तो दुनिया में कोई भी पब्लिक की से उसे खोल सकता है, उसे उस एग्रीमेंट को देख सकता है, और फिर मैंने वो एग्रीमेंट आपके पास भेजा, आपने अपनी प्राइवेट की उस पर चला दी, तो हम दोनों की पब्लिक की
जो कि इजीली अवेलेबल होगी, हर किसी को अवेलेबल होगी, उसके थ्रू उसे डिक्रिप्ट किया जा सकता है, उस एग्रीमेंट को पढ़ा जा सकता है। और ना केवल उस एग्रीमेंट को पढ़ा जा सकता है, ये इंश्योर किया जा सकता है कि मैंने और सेकंड पार्टी ने उस एग्रीमेंट को साइन किया, डिजिटली साइन किया है। तो ये सारी चीज़ कॉन्सेप्ट, अगर ये इन सब चीज़ों के बारे में ऑडिटर को पता नहीं है कि आज की डेट में जो एविडेंस है वो लॉजिकली भी कलेक्ट किया जा सकता है, और उस लॉजिकल एविडेंस पर क्या रिलायंस करना है, किस डिग्री ऑफ रिलायंस करना है, अगर ये उसके पास स्किल्स और कॉम्पिटेंस नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग उसके पास नहीं है, तो फिर वो ऑडिट नहीं कर सकता। ऑडिट एविडेंस उसको यही नहीं पता होगा कि इस ऑडिट एविडेंस में रिलाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है अपनी ओपिनियन के लिए। तो फाइनली उसकी ओपिनियन पर भी रीजनेबल एश्योरेंस नहीं रखा जाएगा, रखा जा सकता है। तो इसका मतलब वो ऑडिट करने के लिए इनकॉम्पिटेंट है, और यही इसी वजह से अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 लाया गया। अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 है ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट, यानी ऑडिटिंग इन CIS इन्वायरमेंट, कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट, ऐसे इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कंप्यूटराइज्ड है, क्योंकि कई ऐसे इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट हैं जहां जो नॉन कंप्यूटराइज्ड हो सकते हैं। तो हम ऑडिटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 ये कहता है कि ऑडिटिंग एक कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट में कैसे करनी है, और सबसे पहले वो यहाँ पर मैंडेटरी कर देता है, वो कहता है कि आपको वो स्किल्स और कॉम्पिटेंस लेनी पड़ेगी। यानी कि हमने बोला था कि अगर एक कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट है, वहाँ पर दो तरह की ऑडिटिंग हो सकती है, ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट हो सकता है और IT ऑडिट हो सकता है। तो ऑडिटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 आते ही आप ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट नहीं कर सकते हो, अब आपको IT ऑडिट ही करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे जहां पर आप कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट है, तो नेसेसरी स्किल लेकर जाओगे। तो जो हमारी स्टडी है, हमारी स्टडी हमें ये बताती है कि ऑडिट ऑब्जेक्टिव सेम रहा है, लेकिन कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट ने इम्पैक्ट कर दिया है जिस तरह से ऑडिट होता है। एक कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट में, यानी CIS इन्वायरमेंट में, इंटरनल कंट्रोल्स जो हैं फिजिकल इंटरनल कंट्रोल्स नहीं होते, लॉजिकल इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर में कंट्रोल्स होते हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल्स लगे होते हैं। तो लॉजिकल इंटरनल कंट्रोल किस तरीके से उस इंफॉर्मेशन को की कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी मेंटेन करके रख रहे हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी मेंटेन करके रख रहे हैं, इसके लिए ऑडिटर को अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसको उस इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसको उन कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसको उन कंट्रोल्स के बारे में पता होना चाहिए, कि उसको ये पता होना चाहिए वो कंट्रोल्स कैसे अप्लाई किए जाएंगे इस इन्वायरमेंट्स में। तो कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हुआ है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और रिलेटेड सिस्टम्स में। कहने का मतलब ये है कि पहले क्या होता था कि आप बुक में एक छोटी सी चीज़ें हम देखें, जैसे बैंक है, बैंक इज़ अ किंग ऑफ फाइनेंस, किसी भी कंट्री में बैंक जो है किंग ऑफ फाइनेंस है। पहले क्या होता था, बैंक में ब्रांचेस होते थे, ब्रांचेज में एक अकाउंटेंट होता था, अकाउंटेंट जो है वो बुक कीपिंग किया करता था, मतलब आपके खाते देखा करता था, मंथ के एंड में क्लोजिंग किया करता था। मेरे एक जानने वाले हैं, एक पहचानने वाले हैं, वो बैंक में काम किया करते थे, और वो जनरली महीने भर काम नहीं किया करते थे, वो क्लोजिंग के पीरियड में काम किया कर लिया करते थे। उनका बॉस उनसे कुछ नहीं कहता था, वो इसलिए कुछ नहीं कहता था क्योंकि उन्हें पता है कि क्लोजिंग के टाइम पर इनकी ज़रूरत पड़ेगी, जब ये बुक्स को क्लोज़ करना, मैनुअल बुक्स को क्लोज करना पड़ेगा, तो इनके पास वो स्किल और कॉम्पिटेंस है जिससे कि वो इस बुक क्लोजिंग में हेल्प कर सकते हैं। कहीं पर कोई प्रॉब्लम हुई, कहीं पर कुछ गड़बड़ी हुई, ये मास्टर हैं, ये इनको इस चीज़ में मास्टरी है, और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते थे। लेकिन आज की डेट में सिस्टम चेंज हुआ, आज की डेट में सिस्टम ऐसा चेंज हुआ कि आज की डेट में बैंक्स में हर रोज़ आदमी किताबें लिख रहा है, अकाउंट्स लिख रहा है, आपकी पासबुक भर रहा है, उसके बजाय क्या हुआ, आज सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हो गया। तो यानी हर ब्रांच में एक अकाउंटेंट होता था, अब हर ब्रांच में एक अकाउंटेंट की ज़रूरत नहीं है, अब हर ब्रांच में उस स्पेशलाइज स्किल्स वाले की ज़रूरत नहीं है, हर ब्रांच में ऐसे बंदे की ज़रूरत नहीं है जिसके स्किल्स को हम प्रीमियम में मान सकें। तो आज क्या है, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग है, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में सारा का सारा डेटा रखा जाता है।
तो वहाँ पर लॉजिकल कंट्रोल्स होंगे, और वहाँ पर लॉजिकल कंट्रोल्स होंगे तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन किस तरह से रखी जा रही है उसमें सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ला दिया। किसने ला दिया? कंप्यूटराइज्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट में ला दिया। पहले क्या है कि हर ब्रांच में अकाउंटेंट हो, कई इवन जो प्राइवेट जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी उनमें एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता था। आज की डेट में एक इनपुटर चाहिए, अगर एक छोटी ब्रांच है उसमें एक इनपुटर चाहिए, इनपुटर इनपुट करेगा, ईआरपी अपने आप उसको अपडेट कर लेगी, उस डेटा को सही तरीके से अपडेट कर लेगी। अगर आपको एक और आदमी रखना है तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रख लीजिए ताकि वो उस चीज़ को सुपरविजन करता रहे, उसको देखता रहे, उसके उस यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चार्टर्ड अकाउंटेंट की होगी। और बेसिकली वो क्या कर रहा है? सुपरविजन कर रहा है। एक बार आपने इनपुट कर दिया ईआरपी में, उसके बाद उसे सुपरवाइज करना है, उसे एंट्री को देखना है कि एंट्री सही तरीके से डल रही है कि नहीं डल रही है। पोस्टिंग से पहले उस एंट्री को देख लेना है, अगर एक बार एंट्री पोस्ट हुई तो फिर आप उसको रिवर्स कर सकते हो, लेकिन उस एंट्री को चेंज नहीं कर सकते। एक बार एंट्री पोस्ट हो गई तो पोस्ट हो गई। तो बेसिकली किस तरीके से कंप्यूटराइज इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट में फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रखी जाती है, ये सारी चीज़ें चेंज हुई। तो अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड इसीलिए लाया गया। तो अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड ने ये बोला कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव और स्कोप ऑडिट का चेंज नहीं होता है कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट में, और जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और दूसरी चीज़ उसने ये बोली कि आज की डेट में कि हम कंप्यूटर को यूज़ करने लगे हैं प्रोसेसिंग, स्टोरेज, रिट्राइवर और कम्युनिकेशन के लिए, जो कि लॉजिकल वे है। यानी आज की डेट में लॉजिकल प्रोसेसिंग हो रही है, लॉजिकल स्टोरेज हो रहा है, लॉजिकल रिट्राइवल हो रहा है, लॉजिकल कम्युनिकेशन हो रहा है। पहले क्या होता था? फिजिकल प्रोसेसिंग होती, फिजिकल स्टोरेज होता है, फिजिकल रिट्राइवल होता था, और फिजिकली हम कम्युनिकेट करते थे, कुरियर जाता था। आज की डेट में फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का कम्युनिकेशन मेल्स के थ्रू हो जाता है। ईआरपी ऑटोमेटिकली अपडेट करती है, वर्ल्ड वाइड ईआरपी यूज होती हैं जो ऑटोमेटिकली अपडेट करती हैं। अगर आपके वहाँ एक ईआरपी लगी है, पीपल सॉफ्टवेयर लगी है, और आपका जो हेडक्वार्टर है लंदन में है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली आपने यहाँ एंट्री पोस्ट की, मंथ एंड क्लोजिंग की, ऑटोमेटिकली एंट्री हेडक्वार्टर्स को पता चल गई, एचक्यूज को ऑटोमेटिकली वो एंट्री पता चल गई। तो कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर ने मेथड्स चेंज कर दिए हैं, कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग का मेथड्स चेंज कर दिया, फिजिकल से लॉजिकल कर दिया, स्टोरेज का मेथड चेंज कर दिया, फिजिकल से लॉजिकल कर दिया। पहले बुक्स में स्टोर करते थे, अब हार्ड ड्राइव्स में स्टोर करते हैं, 0101 के टर्म्स में, बाइनरी के टर्म्स में स्टोर होता है डेटा। पहले रिट्राइवल का मेथड फिजिकल था, आज की डेट में रिट्राइवल का मेथड लॉजिकल है। पहले आप गोडाउन्स में जाते थे और वहाँ से रिट्राइव करते थे बुक्स को, आज की डेट में लॉजिकली रिट्राइव करते हो। कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन लाइन्स हैं और उसमें कम्युनिकेशन होता है, उसमें डेटा कम्युनिकेट होता है। डेटा कुछ नहीं होता है, डेटा जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं। आइदर एनालॉग में डेटा जाता है, डिजिटल में जाता है। एनालॉग में जा रहा होगा तो हाई वोल्ट लो वोल्ट जा रही होगी, 200 से 220 वोल्ट जा रही होगी, और जब 200 से 220 वोल्ट जाएगी तो 1 कहलाएगी। अगर दो बार 200 हाई वोल्ट पीक करी तो इसका मतलब 2 1 गए, और एक बार 12 से 14 वोल्ट गई तो इसका मतलब 0 गया। और या फिर डिजिटल होगा तो इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस जा रही है, अगर इलेक्ट्रॉनिक पल्स गई तो 1 कहलाएगा, इलेक्ट्रो फिर थोड़ा स्पेस देगा, और फिर अगर इलेक्ट्रॉनिक पल्स नहीं गई तो 0 कहलाएगा। तो यानी 0101 में डेटा कम्युनिकेट हो रहा है, लॉजिकली कम्युनिकेट हो रहा है। बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स जा रहे हैं। तो आजकल लॉजिकली डेटा जाने लगा। अभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कितने परमानेंट हैं आप जानते हो, इलेक्ट्रिसिटी जाती है और फिर गायब हो जाती है। तो वहाँ पर कंट्रोल्स भी डिफरेंट टाइप के हैं। उसने एफिशिएंसी ग्रेड की, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की स्पीड 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी एक सेकंड में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स 300,000 किलोमीटर जाते हैं। मतलब अगर वायर में जा रहे हैं तो थोड़ा रेजिस्टेंस होता है, थोड़ी स्पीड उनकी कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा स्पीड कम हो जाती है, लेकिन फिर भी 300,000 किलोमीटर एक सेकंड में वो ट्रेवल कर जाते हैं। तो यानी कि डेटा आपका मूव अब लॉजिकली होने लग गया। तो ये हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल, कम्युनिकेशन सब कुछ चेंज कर दिया, और चूँकि इसे चेंज कर दिया तो अकाउंटिंग बीच में इफेक्ट आ गया, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में भी इफेक्ट आ गया। अब अकाउंटिंग जो है लॉजिकली अकाउंट्स को रखा जाता है, फिजिकली नहीं रखा जाता है, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स जो हैं वो अब लॉजिकल कंट्रोल्स हो गए। पहले क्या है, ऑडिट ट्रेल बन जाती थी,
आप एक बुक में अगर पहले वाउचर साइन होता था, साइन में वाउचर जब साइन होता था तो उसमें क्या होता था, पेन की इंक निकलती थी, इंक जो है एक टाइप की डाई है, वो आपके पेपर में लग जाती थी, पेपर जो है उसमें परमानेंट मार्क दे देती थी, तो उसमें सिग्नेचर्स हो जाते थे आपके, वाउचर्स में सिग्नेचर हैं, फिर आपका कैश बुक में एंट्री की, उसके बाद लेजर पोस्टिंग हुई, उसके बाद आपकी बैलेंस शीट बनी। तो कहने का मतलब ये सारा काम पेपर में हो रहा था, तो एक पर्टिकुलर ट्रेल बन जाती थी, और कहीं कटिंग वगैरह हुई तो आपको पता चल जाएगा ये कटिंग वगैरह हो रही है। लेकिन अब ऑडिट ट्रेल गायब हो गई, अब आपके कंप्यूटर्स में लॉग्स होने बहुत ज़रूरी हो गए। ऑडिट ट्रेल्स बेसिकली क्या है, डिटेक्टिव कंट्रोल्स है, मतलब अ फॉर्म ऑफ कंट्रोल है, ऑडिट ट्रेल जो है डिटेक्टिव कंट्रोल है। तो अब जो है कंट्रोल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के कंट्रोल्स होने लगे। पहले क्या होता था, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होती थी, बहुत सारे आदमी होते थे, अब वो आदमी ही गायब हो गए ऑर्गेनाइजेशन से। और जब आप एंट्री करते थे तो क्या होता था कि पहले क्या होते थे, आप सिग्नेचर मारते थे, आप वाउचर में सिग्नेचर मारते थे, जिस जो जहाँ पर जिसने जो बंदा जहाँ पर एंट्री करेगा वहाँ पर एक इनिशियल मार देगा। लेकिन आज या उसकी उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ, आज क्या होता है कि आपके पास एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं, एक्सेस मेथड्स होती हैं, आप पहले अपना आइडेंटिफिकेशन डालते हो, फिर ऑथेंटिकेट करते हो, उसे पासवर्ड डालते हो, तो आपका एक पर्टिकुलर लॉगिन होता है, तो वो लॉजिकली आप एंट्री डालते हो सिस्टम में। तो अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 तीन चीज़ कहता है, पहली चीज़ स्किल और कॉम्पिटेंस के बारे में कहता है, और दूसरी चीज़ ये कहता है जब आप ऑडिट करने जाओगे तो CIS इन्वायरमेंट में जाओगे तो आपको उस ऑडिट के में किस तरीके से अपना नज़रिया और प्रस्पेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो वहाँ पर कौन से फैक्टर्स हैं, एक तो आपको CIS इन्वायरमेंट में जा रहे हो तो आपको ऑडिट का करने का नज़रिया चेंज करना पड़ेगा, ऑडिट मेथोडोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी, और दूसरी बात अगर आप किसी इन्वायरमेंट में जाओगे तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा क्या एक्सटेंट है कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट का, किस तरीके का कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट है, क्योंकि वहाँ डिफरेंट आर्किटेक्चर होंगे तो वहाँ पर डिफरेंट फैक्टर्स पैदा हो जाएंगे, तो वो फैक्टर्स आपके ऑडिट मेथोडोलॉजी को और मॉडिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, हमारे अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड में CIS इन्वायरमेंट की डेफिनेशन दी हुई है, कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट की डेफिनेशन दी हुई है, और हमारा स्टडी हमारा जो अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 है वो ये बोलता है कि CIS एनवायरनमेंट कहाँ पर होगा। CIS एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक या उससे अधिक कंप्यूटर्स हों, यानी कि अगर एक भी कंप्यूटर्स आ गया तो CIS इन्वायरमेंट आ गया है, और ये कंप्यूटर क्या कर रहा होगा, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होगा, क्योंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और ये ऑडिटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने दिया है, तो वो फाइनेंशियल परस्पेक्टिव से उसको CIS इन्वायरमेंट को डिफाइन करता है। तो CIS इन्वायरमेंट को डिफाइन करता है और वो ये बोलता है कि CIS इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट है जहाँ पर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग हो रही है, पार्टली या फुल्ली, कैसी भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग हो, या पार्टली हो या फुल्ली हो, एक या उससे कंप्यूटर लग जाए, यानी कि एक भी कंप्यूटर अगर फाइनेंशियल प्रोसेसिंग कर रहा है, भले ही क्वालिटेटिव डाटा हो क्वांटिटेटिव डाटा हो, अगर ये ऑडिट सिग्निफिकेंस का डाटा है तो भले ही थर्ड पार्टी से ऑपरेट कर रही हो या एम्प्लॉय ऑपरेट कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस इन्वायरमेंट को CIS इन्वायरमेंट कहा जाएगा। यानी कि अगर एक कंपनी है उसमें एक कंप्यूटर आ गया और उसमें एक टैली लग गई और वहां पर से डेटा की प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी तो वो CIS इन्वायरमेंट हो जाएगा, भले ही क्वालिटेटिव डाटा हो क्वांटिटेटिव डाटा हो, किसी भी टाइप का डाटा वो प्रोसेस कर रहे हो, अगर फाइनेंशियल डाटा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो वो CIS इन्वायरमेंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि CIS इन्वायरमेंट के लिए एक कंप्यूटर होना जरूरी है, और मैंने पहले भी ये बोला है, मैंने बोला है एक तो ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट होता है जिस कंपनी में कोई कंप्यूटर्स ही नहीं होते, ऐसी बहुत सारी बहुत कम कंपनीज हैं, बहुत छोटी छोटी कंपनीज हैं, और आज के जगह तो छोटी छोटी कंपनी में एक कंप्यूटर तो होता ही होता है, यानी CIS इन्वायरमेंट वहाँ पर आ ही जाता है। तो या तो प्योरली मैनुअल होगा या फिर ऐसा होगा मिक्स्ड होगा, 100% IT इन्वायरमेंट नहीं हो सकता है। 100% IT इन्वायरमेंट क्यों नहीं हो सकता है, 100% IT इन्वायरमेंट नहीं हो सकता इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज तक नहीं आई है। अगर जिस दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी उस दिन 100% मैनुअल इंटरवेंशन खत्म हो जाएंगे, उस दिन 100% IT इन्वायरमेंट हो जाएगा, और जिस दिन 100% IT इन्वायरमेंट हो जाएगा उस दिन हमें ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 को इवॉल्व करना पड़ेगा।
तो ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 आईटी एनवायरनमेंट की बात करता है, लेकिन जब भी वो आईटी एनवायरनमेंट की बात करेगा तो वो मिक्स्ड एनवायरनमेंट है, ये ध्यान रखिएगा। कई कंपनी जो होती हैं बहुत ही सोफिस्टिकेटेड आईटी एनवायरनमेंट होता है कई कंपनी में, ओरेकल जैसी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, इंफोसिस जैसी कंपनी में, ये CMM5 लेवल कंपनी है, लेकिन इन कंपनी में भी मैनुअल इंटरवेंशन होता है, मैनुअल कंट्रोल्स होते हैं, मैनुअल काफ़ी काम मैनुअल होता है। तो यानी कि जब आप किसी आईटी ऑडिट की बात करते हैं तो आईटी ऑडिट में आप दोनों कंपोनेंट लेते हैं, मैनुअल कंपोनेंट लेते हैं और आपका कंप्यूटराइज कंपोनेंट भी लेते हैं, लेकिन एज एन ऑडिटर आपको मैक्सिमम कंप्यूटराइज्ड स्किल्स का यूज़ करना पड़ेगा, कंप्यूटराइज स्किल्स होने चाहिए आपके पास, इंफॉर्मेशन आईटी सेवी होने चाहिए आप, और उसके उस तरह के आपके पास स्किल्स होने चाहिए। तो पहले स्किल्स की बात कर लेते हैं, अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 स्किल्स और कॉम्पिटेंस के बारे में क्या कहता है। अकाउंटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 बोलता है कि ऑडिटर को सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटराइज्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम एनवायरनमेंट की, यानी कि उसे अपने नॉलेज बेस को अपग्रेड करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि वो ऑडिटिंग इन अ कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट नहीं कर सकता, उसको आईटी ऑडिट करना पड़ेगा और उसके लिए सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसके अंदर सफिशिएंट नॉलेज नहीं है तो इसका मतलब वो उसको ऑडिट डिक्लाइन कर देना चाहिए। उसको इतनी सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए कि वो CIS एनवायरनमेंट में जाए तो अपने वर्क को परफॉर्म कर सके, अपने वर्क को प्लान कर सके, डायरेक्ट कर सके, सुपरवाइज कर सके, कंट्रोल कर सके, रिव्यू कर सके। कई बार अपने असिस्टेंट्स को भेजेगा, असिस्टेंट भेजेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की होती है, फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की होगी, उसको उस वर्क को रिव्यू करने की कैपेबिलिटी उसमें होनी चाहिए। तो यानी कि उसके पास सफिशिएंसी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए और सफिशिएंसी ऑफ नॉलेज CIS एनवायरनमेंट पर डिपेंड करेगी। यानी कि अगर आप ऑडिटर हो, एक नॉर्मल कंपनी में जा रहे हो जहाँ पर एक कंप्यूटर लगा है और एक टैली है, और एक ऑडिटर जा रहा है इंफोसिस में ऑडिट करने के लिए जहाँ हाईली सोफिस्टिकेटेड आईटी एनवायरनमेंट है, तो दोनों के स्किल्स में डिफरेंस होना चाहिए। जो इंफोसिस में ऑडिट करने जा रहा है उसके पास वो उस लेवल के स्पेशलाइज CIS स्किल्स होने चाहिए। अगर उसके पास वो लेवल CIS स्किल्स नहीं है तो वो एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी चाहिए, उसे रिलाइंग ऑन एक्सपर्ट करके उसको एक्सपर्ट्स पर रिलाई करना चाहिए। तो इसका मतलब यानी कि उसके पास सफिशिएंट स्किल्स होनी चाहिए सबसे पहली चीज़। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अब ऑडिटर, ट्रेडिशनल ऑडिटर आईटी CIS एनवायरनमेंट में तब तक नहीं घुस सकता जब तक कि वो अपनी सफिशिएंट नॉलेज ना हो, और सफिशिएंट नॉलेज एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट डिपेंड करती है। सफिशिएंट नॉलेज का मतलब ये है कि किसी एनवायरनमेंट में जो नॉलेज सफिशिएंट है दूसरे एनवायरनमेंट में वो नॉलेज सफिशिएंट ना हो। मतलब आपको जाकर देखना पड़ेगा कि CIS एनवायरनमेंट का क्या नेचर या एक्सटेंट है, उसी के अनुसार सफिशिएंसी ऑफ नॉलेज को आप डिटरमाइन करोगे। तो आपके स्पेशलाइज स्किल्स किस लिए ज़रूरी हैं? सबसे पहले तो इसलिए ज़रूरी हैं, जैसा कि हमने पहले भी कहा, कि सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी हैं। अगर मान लिया सपोज, पहले तो आपको अपग्रेड अपनी नॉलेज करनी पड़ेगी, और कई एनवायरनमेंट में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको स्पेशलाइज्ड CIS स्किल की ज़रूरत है कि नहीं है। तो नॉलेज अपग्रेडेशन का मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी आईटी एनवायरनमेंट में जाएं, किसी भी आप आईटी एनवायरनमेंट में जाओ तो आपके पास कुछ की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। वो कॉम्पिटेंसी क्या है? पहला, आपको एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आईटी की और उसके कॉन्सेप्ट की। कहने का मतलब यह है कि आप एक ऑडिटर हो, ऑडिटर एक नॉन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में ऑडिट करने जा रहा है, कोई बात नहीं, ट्रेडिशनल स्किल से कर सकता है। दूसरा, आप ऑडिटर हो और आप एक आईटी एनवायरनमेंट में ऑडिट करने जा रहे हो। अगर आप एक आईटी एनवायरनमेंट में ऑडिट करने जा रहे हो तो आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, और आपको की कंपोनेंट्स पता होने चाहिए, और आपको ये पता होने चाहिए क्या फंक्शनैलिटी है, क्या लिमिटेशंस हैं इन सारे कंपोनेंट्स की। अगर एक एंटीवायरस काम कर रहा है तो वो क्या काम करेगा, IDS काम कर रहा है तो वो क्या काम करेगा, IDS इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है, वो प्रिवेंटिव कंट्रोल नहीं है, वो प्रिवेंट नहीं करता है, वो डिटेक्ट करता है। तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि IDS इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम डिटेक्ट करेगा, कंट्रोल नहीं करेगा। दो आज इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, एंटीवायरसेस
और आपके जो फायरवॉल है वो बंडल्ड होकर आते हैं, एक ही सॉफ्टवेयर में वो होकर आते हैं। लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट्स उसे पता होने चाहिए, फंक्शनैलिटीज़ और लिमिटेशंस उसे पता होनी चाहिए, ऐसे कंपोनेंट्स की फंक्शनैलिटी भी पता होनी चाहिए, लिमिटेशन भी पता होनी चाहिए। तो यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ चीज़ें पता होनी चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट्स उसे पता होने चाहिए, उसको की कंपोनेंट्स के बारे में पता होने चाहिए, उसको पता होना चाहिए हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, डेटाबेस क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। उसके अलावा उसको रिस्क के बारे में पता होना चाहिए, ऐसे इन्वायरमेंट में क्या रिस्क है, उसके बारे में उसको कंट्रोल्स के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो उसे होनी ही चाहिए, इसके अलावा स्पेशलाइज स्किल्स की नॉलेज भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि पहला चीज़ जो हमारा अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 कहता है वो यह कहता है कि आप सबसे पहले तो वो आपको क्लियर करता है कि भाई आप CIS इन्वायरमेंट में जा रहे हो तो 100% IT इन्वायरमेंट हो, ये ज़रूरी नहीं है और ये पॉसिबल भी नहीं है आज की डेट में। 100% IT इन्वायरमेंट तभी आएगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी। तो वो ये सबसे पहले आपको ये बताता है कि आप किसी इन्वायरमेंट में जा रहे हो तो वहाँ पर एक कंप्यूटर भी हो सकता है और वहाँ पर पूरा सोफिस्टिकेटेड IT इन्वायरमेंट भी हो सकता है। और ऐसे अगर कहीं जहाँ पर एक भी कंप्यूटर है जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है तो आपको मिनिमम स्किल्स अपग्रेड करने पड़ेंगे, मिनिमम नॉलेज अपग्रेड करनी पड़ेगी। और वो मिनिमम नॉलेज क्या है, मिनिमम स्किल्स क्या है, आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए IT की, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, की कंपोनेंट्स पता होने चाहिए, उनकी फंक्शनैलिटी क्या होती है ये पता होनी चाहिए, उनकी लिमिटेशंस क्या होते हैं उन्हें पता होने चाहिए, क्या रिस्क है ये पता होना चाहिए और उसके कंट्रोल्स आपको पता होने चाहिए। ये सारी चीज़ें तो आपको मिनिमम पता ही होनी चाहिए, IT इन्वायरमेंट कैसा हो क्या हो वो डिफरेंट बात है। तो ऑडिटर को कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पता होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पता होना चाहिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है, नेटवर्किंग क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है और ऐसे इन्वायरमेंट के रिस्क और कंट्रोल्स क्या होते हैं, ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। ये कंपलसरी हो गई है IT इन्वायरमेंट के लिए, ये 100% कंपलसरी हो गई है। उसके बाद ना केवल उसको नॉलेज होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए इनके फंक्शनैलिटी क्या है, इनका कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है, इनके लिमिटेशंस क्या है, इनके रिस्क क्या है, मतलब हार्डवेयर के की फंक्शनैलिटी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, इनके कंट्रीब्यूशन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है ये उसे पता होना चाहिए। और उसे भी पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर लिया जाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में से कम्युनिकेट करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर प्रसाइज चीज़ के लिए होता है, एक पर्टिकुलर प्रसाइज जैसे व्हाट्सएप है एक पर्टिकुलर प्रसाइज यूटिलिटी के लिए होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है, विंडोज़ है वो हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है। तो ये सारी चीज़ों की उसे क्लैरिटी होनी चाहिए, उसे उसके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए, किस चीज़ को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसको उसके लिमिटेशंस के बारे में पता होना चाहिए, उसको उसके रिस्क के बारे में पता होना चाहिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये बिगिनिंग नॉलेज बेसिक रिक्वायरमेंट है, मतलब इससे पहले कि ऑडिटर ऑडिट करने कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट में पहुंचे ये बेसिक नॉलेज उसे होनी ही चाहिए, हर कंडीशन में उसे ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब मालूम पड़ा वो सोफिस्टिकेटेड IT इन्वायरमेंट में जाता है तो वहां पर उसे एक बार अपनी नॉलेज को रिव्यू करना पड़ेगा, और उस नॉलेज को वो कैसे रिव्यू करेगा, वो नहीं वो क्या देखेगा, वो ये देखेगा कि उसके पास स्पेशलाइज स्किल्स हैं कि नहीं है उस इन्वायरमेंट के लिए। और कई जगह पर स्पेशलाइज स्किल्स से भी नहीं चलेगा, एक्सपर्ट स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, और एक्सपर्ट स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी तो वो एक्सपर्ट से बात करेगा, एक्सपर्ट पर रिलाई करेगा, एक्सपर्ट के सर्विसेज पर रिलाई करेगा। अब एक्सपर्ट कहाँ का होना चाहिए, एक्सपर्ट ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होना चाहिए जनरली, हो सकता है लेकिन जनरली नहीं होना चाहिए, एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट होना चाहिए, या तो उसकी कंपनी में ऑडिट कंपनी में एक्सपर्ट हो या कहीं बाहर से हायर किया हुआ एक्सपर्ट हो। कई बार क्या होता है कि ऑडिटर ऑडिट करना जाता है और वो एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का ऑडिट कर रहा है तो वहाँ पर डेटाबेस मैनेजर है, डेटाबेस मैनेजर एक्सपर्ट है, अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है और डेटाबेस मैनेजर उसे आंसर दे रहा है, तो वो उस डेटाबेस मैनेजर पर रिलाई कर सकता है प्रोवाइडेड
कि अगर मान लिया सपोज उसने डेटाबेस मैनेजर ने उसको कुछ आंसर दे रहा है, वो इंडिपेंडेंटली उस आंसर को कंफर्म कर रहा है, उसकी रीजनिंग को कंफर्म कर रहा है, आज गूगल के थ्रू कर रहा है या किसी एक्सपर्ट से बाद में कर रहा है, और उसे लगता है कि हाँ इसकी बात पर रीजनेबल रिलायंस रखा जा सकता है, किया जा सकता है, तभी वो उस एक्सपर्ट पर रिलाई करेगा, अदरवाइज वो उस एक्सपर्ट पर रिलाई नहीं करेगा, उसे एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट से बात करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है, इसको फिर से समराइज़ कर देते हैं, इसको फिर से समझ लेते हैं कि सबसे पहले हमने अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 में स्किल्स और कॉम्पिटेंस की बात की, और स्किल्स और कॉम्पिटेंस में हमने ये बोला कि इन्वायरमेंट जो है दो टाइप का हो सकता है, कंप्यूटराइज्ड हो सकता है, नॉन कंप्यूटराइज्ड हो सकता है। नॉन कंप्यूटराइज्ड में पुरानी स्किल चल जाएंगे, लेकिन जहाँ भी एक कंप्यूटर आ गया वहाँ पर ऑडिटर को एक मिनिमम स्किल्स होनी चाहिए। कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट की तरफ ऑडिट करने वो चला किसी भी कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए उसे, उसे पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, की कंपोनेंट्स पता होनी चाहिए, फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए, लिमिटेशन पता होनी चाहिए, रिस्क पता होनी चाहिए, जो जनरलाइज्ड रिस्क पता होनी चाहिए, जनरलाइज्ड कंट्रोल पता होनी चाहिए, उसको कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, डेटाबेस, इन सब चीज़ों के बारे में उसे नॉलेज होनी चाहिए, ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता होना चाहिए, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सेल वर्ड वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए उसे। ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर यही होते हैं एक्सेल और वर्ड, और भी ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन मोस्टली यूज्ड ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर एक्सेल है। तो ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, और भी बहुत सारे ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, तो वो उन ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर की उसे नॉलेज होनी चाहिए। तो ये तो बेसिक नॉलेज है जो किसी भी सीआईएस एनवायरनमेंट में जा रहा है उसके पास होनी चाहिए। उसके ऊपर से अगर सीआईएस एनवायरनमेंट थोड़ा मैच्योर्ड है तो उसके पास स्पेशलाइज्ड स्किल्स होनी चाहिए, लेकिन अगर हाईली मैच्योर्ड इन्वायरमेंट में जा रहा है जहाँ पर एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, कई बार क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया के कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, उन एक्सपर्ट्स के बिना काम नहीं चल सकता है, क्योंकि वो स्किल्स ही इतना प्रीमियम होता है कि एक्सपर्ट्स होते हैं, तो वहाँ पर वो एक्सपर्ट पर रिलाई करेगा। मतलब जहाँ पर हाईली प्रीमियम स्पेशलाइज स्किल्स है वहाँ पर वो एक्सपर्ट पर रिलाई करेगा, और अगर मैच्योर आईटी एनवायरनमेंट है वहां पर ऑडिट करने जा रहा है तो उसके पास स्पेशलाइज स्किल्स होनी चाहिए, तभी वो उस एनवायरनमेंट में जाए ऑडिट करने के लिए। अदरवाइज अगर वो जाएगा तो उसके पास उस एनवायरनमेंट के बराबर की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, और चूंकि उसको उसके बराबर की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो वो उसकी ओपिनियन में रिलाई नहीं किया जा सकता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई है एक जो ऑडिटर के ऊपर, ये पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई है।